जिंदगी के सब लम्हे यादगार हो। जी कहाँ जाएंगी आप? क्यों, आपको इससे क्या? नहीं मेरा मतलब है कि धूप इतनी ज्यादा है, अगर आप लोगों ने मेन रोड तक जाना है तो मैं ड्रॉप दे सकता हूँ। जी नहीं शुक्रिया, हमारे पाँव हैं। अच्छा पाँव हैं आप लोगों के? वाह वाह माशाल्लाह। स्टूपिड इडियट। ओहो बड़ी फसी और बलीग अंग्रेजी भी बोल लेती हैं आप लोग। हम इससे भी ज्यादा फसीओ बलीग। जी फसीओ बलीग अंग्रेजी बोल सकते। अच्छा माशाल्लाह। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी आवारगी से हम लोग खौफजदा हो जाएंगे तो आपकी भूल है। ये आप जैसों को तो हम कत्ल कर दिया करते हैं। हाँ हाँ लग रहा है बहुत खूब माशाल्लाह। बड़े ठीक हैं सर। और खबीस। और ओके मिस सुहा, फिर मुलाकात होगी। कैसी लग रही हूँ फुप्पी जान? माशाल्लाह बहुत प्यारी। बेटा सुहा। लिप्पी जान ये तो बताओ मुझे ये। तुम्हें इब्राहिम कैसे लगता है? अच्छे फुप्पी जान, मगर आप सबके सामने उनको इतना डांटा मत करे ना। आए बेटा वो हरकतें ही डांटने वाली करता है तो मैं क्या करूं भला। मगर फिर भी फुप्पी जान इतना तो ना डांटा करे। अभी से सिफारिश। अच्छा फुप्पी जान ये बताए ना, अच्छा मैं लग कैसे रही ये बताए। बहुत प्यारी लग रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, ये मिसेस बिल्किस आफताब से बात हो जाएगी? हेलो हेलो बिक्की अपा जी, शिराज बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? हाँ शिराज कैसे हो? बस ही मैं बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। और सुनाएं क्या खबरें? अभी अभी तुम्हारा काम करवा के आ रही हूँ। हाँ उस लड़की को भेज दो मेरे पास। ओ बिक्की आपा थैंक यू वेरी वेरी मच, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। बराए करम आप इस कसम के सकील जुमलों से गुरेज करें, ये मुझे हजम नहीं होते। मैं तो खुश हूं कि तुम किसी बहाने चार छह रोज हेलो हेलो तो करते रहे और मुझसे मिलने आए भी। मैं तो दुआ करूंगी कि तुम्हें मुझसे काम पड़ते रहे। देख ले बिक्की आपा एक काम तो पड़ ही गया ना आपसे। रियली? अच्छा तो ये तो मेरी दुआ मांगने से पहले ही तुम्हें काम पड़ गया। देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सीरियस, रियली वेरी सीरियस। बताओ क्या काम? वो क्या बिक्की अपा के शुक्र है फ्री पीरियड तो मिला हम लोग को। कब से वेट करती कि बेल बजे और थोड़ी देर फुर्सत मिले हमें इस पढ़ाई से। वाकई तुम्हारे लिए दो घंटे गुजारना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए गुजारना मुश्किल है, और जो तुम लोग जो इतने मजे से ये लेक्चर सुन रहे थे ना सर फरीदी और सर हमीदी का, हाँ मुझे पता है 100% श्योर तुम लोगों का ध्यान कहीं और होगा, ऐसे ही बस बनते हो। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, वैसे ये इतराफ मैं जरूर करूंगी कि एक दो मिनट के लिए मैं सोच रही थी कि कल मुझे कौन सा सूट पहनना होगा। वैसे ये मजाक मजाक छोड़ो यार, मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि कुछ अरसे के बाद हमें यूनिवर्सिटी को खैरबाद कहना पड़ेगा।
फिर मैं कहाँ, तुम दोनों कहाँ, पता नहीं हमारी मुलाकात भी होती या नहीं होती। तुम इतनी मायूस कौन बातें क्यों कर रही हो? अब ये तो कंफर्म बात है कि शादियां तो सभी की होनी है। ये और बात है कि जब मैं कुछ अरसे बाद तुम लोग के घर आऊंगी तो तुम लोग की जब बेल बजाऊंगी और दरवाजा खुलेगा, इतनी मोटी औरतें मेरे सामने आएंगी जिनके हाथ में झाड़ू होगा और बच्चों के पीछे भाग रही होंगी, गुल्लू पप्पू मुन्नू। मैं मेरा क्या, मैं तो ऐसे ही रहने वाली हूँ भाई। अरे वो सामने तो देखो सीरत साहब जा रहे हैं। इसे एक बात तो है, सीरत जो है ना है बड़े हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट, लेकिन पता क्या, इस बेचारे की शक्ल कुछ अजीब सी, इसको देख के ना मेरा दिल चाहता बस इसको छेड़ते रहे। हाँ वैसे एक बात है, हमारी मरियम मोहतरमा को तो उनमें बहुत सारी खूबियां नजर आती हैं। अच्छा ये तो बता और कौन कौन सी खूबियां नजर आती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं मतलब ये है हमारा कि अगर आपको कोई खूबियां नजर आती है तो हम बात आगे बढ़ा देते कैप्टन बॉक्स और टेबल्स के कुछ सेट्स की जरूरत है। सर नोट कराया उन्होंने क्या क्या चाहिए? ये कार्ड दिया है उन्होंने, आप फोन पे उनसे बात कर लें। राइट। और हाँ जो भी बात उनसे हो मुझे भी बताइएगा प्लीज। ये टूर आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा और रिक्रिएशनल भी। इंशाअल्लाह ताला। सीरत मियां आप कुछ नहीं बोले? सर असल में हो सकता है कि मैं अपनी मुलाजमत की जिम्मेदारी की वजह से ना भी जा सकूं, तो इस वजह से खामोश रहने बेहतर है। वैसे भी सर एक खामोशी हजार बलाओं को टालती है। सर खामोशी अकलमंदी की दलील भी होती है। मिस सोहा नोट फरमा लें। अच्छा हाँ तो लड़कियों आप मुझे ये बताओ कि आप में से कितनों को यह तवक्को है कि आपको घर से जाने की परमिशन मिल जाएगी? ओके सर हम सब जाएंगे। लगता है घर वाले आजिज आ गए। सर दो हाथ और शामिल कर लें आप। दो हाथ किस लिए? सर वो इसलिए कि मिस सोहा इस किस्म के मामलात में दो हाथ आगे होती है। सर तो क्या हम चलने की फिर तैयारी करें? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे भाई साहब की छुट्टी जुलाई में शुरू होगी मगर हम दोनों माँ बेटा मई के पहले ही हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। साहबजादे तो मामू जान के पास आने के ख्याल से अभी से ही बहुत खुश हैं। ओ अभी अब आप आ भी जाएं, बहुत हो गया। लो बचपन से जो मांगने की आज बड़ी आज तक मांगी। ये दे दो ये दे दो ये दे दो क्या दो आपके लिए मैं दादी अम्मा चाचू आपके फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच ले ले अम्मा एक्शन। अब्राक अब्राक भाई रोहा की लिपस्टिक मिटने से पहले ग्रुप फोटो खींच। हां भाई ओ यस चलो 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 क्या कह रहे हैं चीजी चलो थैंक यू फोटो है अम्मा दबा। अच्छा चलें भाई आज भी केक काटो बहुत देर। हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू सुहा माय डार्लिंग। मम्मी मेरा प्रेजेंट? तोहफा चाहिए? जरूर मिलेगा तुमको तुम्हारा तोहफा, क्योंकि तुम हमारी सबसे छोटी सी गुड़िया। पता है जब तुम पैदा हुई थी तो मैंने तुम्हारी मुन्नी सी नाक को छूकर क्या कहा था, तुम्हें क्या जरूरत थी रूहा के 8 साल बाद आने की? तो तुम्हारे पापा हंसकर बोले, क्या बोले? ये गुड़िया हम सबका जी बहलाने आई है। माय बेबी आई लव यू। मिस सोहा केक हलाल करो भाई प्लीज। हेलो, अरे भाई जरा खामोश है। हेलो जी, बढ़िया पा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है? बढ़िया पा, तुमसे बात करेंगी। बात दे रही होगी। हाँ ला मुझे कुछ दो खाने को। जी जी ये ले। हेलो अस्सलाम वालेकुम बढ़िया पा, हैप्पी बर्थडे जानी, कैसी हो? बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत मिस कर रहे हैं आपको जी। वो रक्षी कुछ कहना चाह रही थी आपसे। क्या बात? आप किताबे से नजरें हटाएं तो कुछ कहे ना। सुना कानों से जाता है आंखों से नहीं। वो डैडी वो हमारी क्लास ऑल पाकिस्तान टूर पे जा रही है। तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए। परमिशन? कैसी परमिशन? वो टूर पे जाने की। टूर पे जाने की? जी हरगिज नहीं। हफ्ते अशरे की तो बात ही है। हफ्ता अशरा? मैं एक दिन भी बाहर रहने की इजाजत नहीं दे सकता। डैडी वो मेरी सारी क्लासमेट्स जा रही हैं। जाने दो। डैडी मैं तुम्हें एक रात भी बाहर रहने की इजाजत नहीं दे सकता, समझी? मेरी सारी सहेलियां जा रही हैं। अगर सारी लड़कियां कुएं में छलांग लगाएंगी तो तुम भी लगा दोगी? बोलो। बच्ची को इजाजत दे दीजिए ना। तुम चुप रहो। कदवाई साहब ने जब उसको पुलिस के हवाले कर देने की धमकी दी ना, तो भी सब उसने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि उसने स्टोन्स एक थैली में डालकर ब्राश के गुलदान में छुपा दिए थे और उसी का एक आदमी उसको खरीदार की हैसियत से खरीदने आने वाला था। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना? भी सर पास लोग कितने बदनीयत और बददयानत होते हैं। बददयानत आदमी की तो छुट्टी कर देनी चाहिए। तो कर दी ना हमने, छुट्टी कर दी उसकी। बहुत अच्छा किया। अफसोस ये है अभी साहब के कुछ लोगों के लिए इतना करने के बावजूद वो लोग शुक्रगुजार नहीं होते बल्कि चोरियां करते हैं। बेटे ऐसे लोगों की जिंदगी से बरकत तोड़ जाती है। कभी कभी सोचता हूँ कि डैडी ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया करते थे। बेटे वो कहा करते थे कि अक्सरियत पर चेक रखने के लिए कुछ लोगों पर अंधा एतमाद करना पड़ता है, तब कहीं जाके काम चलता। सही कहते थे। अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे डैडी से बात करूंगी। प्लीज मत कीजिएगा। क्यों भाई?
मुझे पता है वो इजाजत नहीं देंगे। हो सकता है कि दे दें, गुस्से की वो तेज है लेकिन दिल की बुरे नहीं है। अम्मी मैं किसी खुशफहमी में रहना नहीं चाहती हूँ। मुझे भी पता है और आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि उनकी लुगत में नहीं का उलट मौजूद नहीं। नहीं का उलट मौजूद नहीं, ये क्या बात हुई? मुझे तो नहीं समझ में आया। उनकी नहीं कभी हाँ में बदली अम्मी? ट्राई कर लेने में क्या हर्ज है? एक बात कहूं अम्मी, डैडी ऐसे क्यों है? कैसे इतने सख्त और कड़वे? बेटे तुम्हारे डैडी हैं, यही तो मजबूरी है कि वो मेरे डैडी हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे डैडी से बात करूंगी, वो तुम्हें इजाजत जरूर दे देंगे। अम्मी बात इजाजत देने या ना देने की नहीं है, फिर क्या है? बात ये है कि वो अपने आगे किसी की कब सुनते हैं। बेटे वो तुम्हारे भले के लिए सोचते हैं, तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहते। ठीक है मान लिया, लेकिन आपकी कब सुनते हैं वो? बेटा उन्होंने दुनिया देख रखी है, वो बाहर जाते हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं। वो जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, तो फिर आप वही बात उनसे क्यों करने जा रही हैं जिसके लिए वो पहले से इनकार कर चुके हैं? क्योंकि मैं तुम्हें भी तो नाराज नहीं देख सकती, तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। अम्मी कभी कभी मुझे आप पर बहुत तरस आने लगता है। क्यों मेरा? आप मेरे और डैडी के दरमियान फंस चुक गई हैं। आप मुझे और डैडी को खुश देखना चाहती हैं, जो कि शायद बहुत मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बेटा मोहब्बत हर मुश्किल काम को आसान बना देती है। मोहब्बत? मुझे तुम दोनों से ही मोहब्बत है और तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। I wonder अम्मी कि आप डैडी जैसे आदमी से मोहब्बत करती हैं। मैं तो इस किस्म के इंसान को एक दिन भी बर्दाश्त ना करूं। अम्मी जब वो आपकी इंसल्ट करते हैं ना, आपको कोई अहमियत नहीं देते, आपको बुरा भला खामखा बुरा भला कहते हैं, तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है उन पर। रक्षी I'm sorry अम्मी, लेकिन ये सच है कि आपको टीज करते वक्त वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। जब आप उनसे इतनी इज्जत करती हैं, उनकी इतना ख्याल रखती हैं, उनका इतनी मोहब्बत करती हैं आप, तो वो ऐसा क्यों नहीं करते अम्मी? बेटा मैं तुम्हारे डैडी से बात करूंगी, वो तुम्हें टूर पे जाने की इजाजत दे देंगे। अम्मी आप समझती क्यों नहीं, मैं टूर पे जाए बगैर भी खुश और जिंदा रह सकती हूँ अम्मी, लेकिन मैं और आप शायद डैडी की मोहब्बत के बगैर खुश नहीं रह सकते। क्या मैं गलत कह रही हूँ अम्मी? बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें मत सोचा करो।
उसकी सहेलियां भी तो टूर पे जा रही हैं। जहनुम जा मेरी तरफ से। उनके वालदैन ने भी तो इजाजत दी है। मैं उन वालदैन में से नहीं हूं जो औलाद को बेलगाम छोड़कर खुश होते हैं, समझी? ये उनका तालीमी दौर है। मुझे सबक पढ़ाने की कोशिश मत करो कि ये काफी नहीं है तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए कि मैंने उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत दी। तो फिर टूर पे भी जाने की इजाजत दे देंगे? खतर नहीं। बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो कुछ सीख कर ही आते हैं। सब जानता हूं क्या सीख कर आते हैं। देखिए ना, नो आर्ग्यूमेंट। सुनिए, ये क्यों नहीं जा रही यार? उसकी जो है ना कजन है, उसकी शादी हो रही है। कजन की शादी इस वक्त होनी थी, टूर के वक्त। ये चीजें अचानक होती हैं, जैसे मेरी कजन की हुई थी सिर्फ 8 दिन में। साहब अपनी खैर मनाइए, तुम्हें कहीं 4 ही दिन ना मिले। 2 आरजू के मिलेंगे और 2 इंतजार के। ए बदफाले मत निकालो मुंह से। ये आलम शौक का देखा जाए। मना करो मन, नहीं मेरे हाथों कतल हो जाएगी। 2 होंगे। 2? क्या आप इसको कतल करके मेरे हाथों से बच जाएंगे? वाह क्या बात है, दोस्तों तो ऐसी हो। हम भी तो दुश्मन नहीं अपने। अरे आइसक्रीम खिलाओ तो मानेंगे। चलो शुक्र, इस माँ की रिपोर्ट तो मुकम्मल होगी। अब आप फौरन जल्द अज जल्द तस्वीर बनवाकर मुझे भिजवा दें ताकि काम खत्म हो सके। सीरत साहब, इतना ज्यादा टैक्स देने वाले शहर को पानी जैसी सहूलत मुयसर नहीं, तो गांव और देहात की क्या हालत होगी? सही कह रहे हैं आप, वहां जाकर भी जायजा लेना पड़ेगा, गांव पर भी एक फीचर लिखना है। और आप तैयारी पकड़े, आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। ऐसे बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट है, खत्म हो तो मेरी जान छुटे। रहमी साहब, मसाइल में घिरे लोगों की खिदमत करना हमें अपना मकसद बना लेना चाहिए। और आप भागने की बातें कर रहे हैं? नहीं नहीं सीरत साहब, मैं अपने फराइज से गाफिल नहीं हूँ। दरअसल अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है और सारे इंतजाम और जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और दूसरा ये कि मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल भी रखता है, मुझे बहुत खुशी है। और आप भी शादी में जरूर तशरीफ लाइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसका मतलब है कि आपको जल्द अज जल्द फारिग करना पड़ेगा। अभी मुझे भी तो फारिग होना है। आप और फारिग? ऐसा कभी नहीं हो सकता। असल में अगले हफ्ते आप आ रही हैं, छोटू भी साथ आ रहा है, पर उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा मुझे। अरे आप आ रही हैं, ये तो खुशी की बात है, बल्कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्या मतलब बहुत खुशी की बात है? इस दफा आपा को आने दें, मैंने उनसे एक फरमाइश करनी है। वो क्या, जद्दा से कोई चीज मंगवानी है? अरे नहीं साहब, जिस चीज की जरूरत है वो यहाँ भी मौजूद है। अरे भाई ऐसी कौन सी चीज है? दरअसल कई सालों से तस्वीरें खींचता आ रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा। वैली साहब, तस्वीरें तो आप अच्छी खासी बना लेते हैं। अरे साहब, मेरी तस्वीरों में तो उस वक्त निखार आएगा जब मैं आपकी शादी की तस्वीरें बनाऊंगा। आप रहे मौके की तलाश में, मैं तो सारा दिन घूम घूम कर थक गया हूँ, मुझे बड़ी कड़ाके की भूख लग रही है। चल रहा है आप? चले आइए, आपा की आने की खुशी में आपको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करवाता हूँ। शादी की तो बात आप हंस के टाल देते हैं और वलीमे की तो नौबत ही नहीं आने देंगे। अरे भाई आप शादी वादी के मौजू को छोड़िए, रिपोर्ट मुकम्मल होने की खुशी में मैं आपको लंच करवाता हूँ। चलिए चले। सुबह कुछ गर्म कपड़े रख लेना। हाँ आपा, अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है। मगर वहां पे कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। ओके ओके आपा, ये बताए ये सूट कैसा है? अच्छा अच्छा है ना। अच्छा ये और एक आपका सूट है वो शीशों वाला ब्लू। हाँ वो भी मैं लेके जाऊंगी अपने साथ। चलो ले जाना ले जाना। वो
सुहा, तुम्हारे डिपार्टमेंट में मिसेस बिल्किस आफ्ताब नाम की प्रोफेसर है। असिस्टेंट प्रोफेसर, क्यों आपको कहाँ मिल रही? वो मेरे कॉलेज आई थी मुझसे मिलने के लिए। वो मिसेस हमीदुल्ला है ना, उनकी रिश्तेदार भी हैं। आपको पता है हमारे पूरे डिपार्टमेंट में, बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी में ही मशहूर है कि वो दूसरों के काम आने को अपना मोटो समझती हैं। बाय द वे, आपके पास किस काम से आई थी? वो अपने किसी कजन के रिश्ते के सिलसिले में आई थी। रिश्ते के सिलसिले में? आप कहीं रिश्ते तो नहीं करवाने लग गई हैं? वो तुम में इंटरेस्टेड है। मुझ में? तभी उन्होंने मुझसे इतना तफसीली इंटरव्यू लिया। मुझे बता रही थी कि मेरे बारे में उन्होंने तुम्हीं से पता किया है। मुझे पता होता ना तो मैं हरगिज हरगिज कुछ भी नहीं बताती उनको। अब वो हो सकता है फोन करें, या फिर हो सकता है आए भी। क्यों? भाई, ये मालूम करने के लिए कि हम उनके रिश्ते के सिलसिले में गौर कर रहे हैं या फिर। फौरन मना कर दीजिएगा आप उनको। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं अभी पढ़ रही हूं आपा, इसलिए। तो इसमें ऐसी क्या बात है, दो चार माह में फारे हो जाओगी। और वैसे भी लड़कियों की शादी तो तालीम के दौरान भी हो जाती है। शादी? जी ये वो लड़की नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी वादी। और वैसे भी अभी तो मैं टूर पे जा रही हूँ। जब तक तुम टूर से वापस लौटोगी हम लड़की के बारे में मालूमात भी कर लेंगे। पापा प्लीज प्लीज मुझे सुकून से जाने दीजिए, प्लीज आप। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी वापसी पर बात करेंगे। आज ऑफिस के बाद में तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर ले चलो। कहाँ लेके जाएंगे मामू? चलो भाई सीरत, पहले नाश्ता कर लो तुम। अभी आप आ जाती है ना मेरे मजे आ जाते हैं। मैं भी तो साल भर इतना याद करती हूँ तुम्हें। कहाँ जाएंगे मामू? जहाँ तुम बोलोगे वहाँ ले चलेंगे तुम्हें। बीच चलेंगे। ठीक है। आप कहीं नहीं जाएंगे बेटा, आपको होमवर्क करना है। क्यों? आप क्यों बेचारे को सुबह सुबह डांट रही है और होमवर्क की टेंशन दे रही, हम भी तो इसी तरह पढ़े हूँ। भाई तुमने इसे बड़ा स्पॉइल किया है। अच्छा लगाए तो जैम, आप आई है तो हम नाश्ते आपको नहीं करेंगे। बिसाब आपसे ये पूछने की तो जरूरत नहीं है कि आप कैसी हैं, क्योंकि माशाल्लाह आज तो आपके चेहरे पे रौनक ही रौनक नजर आ रही है। हाँ बिल्किस, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी तो खुशी का आज कोई ठिकाना ही नहीं है। भाई शीराज ने आखिरकार कोई लड़की पसंद कर ही ली। भाई मैं तो थक गई थी उसको लड़कियां दिखाते दिखाते, कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। खुशी क्यों ना हो बेसाब, जाहिर है आपकी इकलौती औलाद है शीराज। हाँ बिल्किस, तुम्हें तो मालूम ही है कि जब वो कॉलेज में पढ़ता था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया था। जब से लेकर अब तक मेरी तो जान बस उसी में अटकी रहती है। तुम्हें शायद एहसास हो या ना हो, जाहिर है कि जिस तरह आपने तन्हा इसकी परवरिश की है और स्कूल से लेकर बिजनेस तक जिस तरह आपने उसकी रहनुमाई की है, किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं छोड़ी आपने। हाँ मैं, खैर छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ लड़की कैसी है? अरे बिसाब, अगर शीराज लाखों में एक है तो वो भी किसी से कम नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे खानदान की लड़की है, और सबसे बड़ी बात यह कि इंतहाई खूबसूरत लड़की है। यकीन माने जब वो इस घर में आ जाएगी ना तो आपकी तन्हाई बिल्कुल दूर हो जाएगी। भाई तो फिर दिखाने कब ले चल रही हो लड़की, तुमने तो इश्तियाक बढ़ा दिया। अरे बीसा, मैंने आपको बताया तो था ना कि वो यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी टूर पे गई हुई है, वो वापस आ जाएगी तो फिर चली चलिएगा देख ले। अच्छा आती रहेगी टूर से, जब आएगी तो आएगी, लेकिन भी कम से कम उसी घर आना जाना तो हो जाए ना। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं आज ही फोन पे उनसे बात करती हूँ, फिर चलिएगा।
जीती रहो जीती रहो, खुश रहो। किस दिन काम आएगी? हाँ भाई, क्यों नहीं क्यों नहीं, इसी बात पर तुम्हें हम बहुत उम्दा सी चाय पिलाते हैं। हो जाए बुआ। जी इस्लामाबाद से फोन किया था उसने। आई होप शी इज एंजॉयिंग हर टूर। ओ यस मिसेस दान, मैंने आपको असल में इसलिए फोन किया था कि हमारी मुमानी जान मिलना चाह रही हैं आपसे। जी वो सुबह आ जाए? नहीं नहीं, तब तो हम दोबारा आ जाएंगे, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि आप लोग लड़के से मिल लें। ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया। ओके खुदा हाफिज। क्या सुहा का रिश्ता बाहर से देखा जा रहा है? जी क्यों, क्या कमी है इब्राहिम में? बुराई क्या है उसमें बोलो, क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं पप्पी जान। तो फिर ये रिश्ता बाहर से क्यों देखा जा रहा है? खुदा ना खास्ता इब्राहिम लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है, खानदानी नहीं है, कमाता खाता नहीं है, या फिर तुम्हारी बहन में यमन की लाल जड़ी भी? पप्पी जान दोनों की शख्सियत में बहुत तजाद है। ओहो अल्लाह तौबा, किसी को पढ़ी लिखी बहू ना दे, अपनी काबिलियत जिताने के लिए मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। अल्लाह माफी। अरे सुन रहे हो साहब साहब, दे पप्पी जान शादी के लिए लड़के और लड़की की ज़हनियत मिलना बहुत जरूरी है। है तो और क्या ज़हनियत मिलेगी? है इब्राहिम जो कुछ कमाता है तुम्हारे बच्चों के बहाने सुहा पे लुटा रहा है। अरे मैं तो ये सोचकर दरगुजर कर गई कि घी कहां गया प्यारी के पेट में, मुझे क्या पता था कि उसके रिश्ते बाहर देखे जा रहे हैं। मैम साहब जी आपका फोन आया है जी, तुम चलो मैं आती हूँ। अच्छा अल्लाह तौबा, ऐसी भी क्या तोता दशमी, अगर माँ के बाद सुहा को हम नहीं रखते तो वो कहाँ जाती बोलो। प्यारी है पिसा, देखने में तो इससे भी ज्यादा प्यारी है। वाकई? चलो किस्मत में होगा तो देख भी लेंगे। क्या ख्याल है चला जाए, काफी देर हो गई है। हाँ मेरे ख्याल से तो रूहा बीबी अब इजाजत दीजिए, बहुत वक्त ले लिया हमने आपका, किसी रोज आप भी हमारे यहाँ तशरीफ लाइए ना। जी इंशाल्लाह। लेकिन ऐसा कीजिएगा आने से पहले फोन कर दीजिएगा ताकि हमारे शिराज में अभी घर पर हो। बेहतर, इजाजत लीजिए। जी जरूर। अच्छा जी, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, और दाद साहब से तो मुलाकात का इश्तियाक ही रह गया। आई एम सॉरी मगर वो अपनी एक जरूरी कमिटमेंट की वजह से आपसे नहीं मिल सके। चलिए फिर कभी सही, ऐसी भी क्या बात। हाँ जी क्यों नहीं, चले चलो। अम्मा मेरे बाबा को भी चोरी के सामन आया, अम्मा मेरे बाबा को भी चोरी के सामन। क्या है बोलना? ये शरादमियों को कोई लड़की वड़की पसंद आ गई है डंके की चोट पे। बड़ी भी बड़ी भी तूने किसको कहा रे? अरे
तू समझ नहीं रही है कि मैं बड़ी भी किसे कह रहा हूँ। अरे वो तो मैं पड़ोस वाली मासी को कह रही हूँ, तू तो मेरी प्यारी बुआ जान है टंकी की चट पे। हाय प्यारी तो कभी हुआ करी थी मैं, नाश मिटे। अरे अभी तो मैं कुछ भी नहीं रही, ये लंबे लंबे बाल, आंखें हीरो की तरह से चमके थी, हीरो की तरह से। हाँ और होंठ, होंठ मेरे ऐसे लालम लाल हुआ करे थी कि वो जो मेरी सहेलियां है ना, वो अपनी उंगलियों की पोरों से यूं हाथ फेर के अपने होंठ भी लाल कर रही थी। एक बात है, हमने सुना है पुराने वक्तों में जो लोग झूठ बोला करते थे ना, उन्हें बुखार आ जावे था, और लेकिन अब खांसी भी ना आवे डंके की चोट पे। अरे नास बेटे, हाँ? क्या मतलब है तेरा? अरे मेरा मतलब है नई चंडो से तेरा क्या रिश्ता हुए? नई चंडो है कौन है ये? अरे मैं ना जानू, होगी कोई तेरी रिश्तेदार कम्बाखत। मैं जानू ये नई डंडो कौन हो गए? अरे वो भी तेरी तरह बड़ी बड़ी गप्पे मारा करती थी डंके की चोट पे। क्या कह रहा तूने नास मिटे? मैं गप्पे मारी? ठहरो जी बे बंदड़ा, ठहरो जी बे। भी जान नहीं मिलना चाहती थी तो ना सही, आप तो मिल लेते उन लोगों से। मुझे झूठ बोलना पड़ा कि आप घर पे नहीं है। मिलने से फायदा, जब घर में लड़का मौजूद है तो बाहर रिश्ता ढूंढने की जरूरत क्या है? पता नहीं कैसे लोग हों वो। मेरी कुलीग उनकी रिश्तेदार है, बहुत तारीफ कर रही थी लड़के की। लड़के की वालदा घर आने की दावत भी दे गई है, किसी दिन हो आएंगे हम दोनों। आप प्लीज जाके हो आइएगा, मुझसे ये तवक्को ना रखिएगा। क्यों? बस ठीक है, मैं अकेले भी जा सकती हूँ। तुम्हें अबरार और सोहा के रिश्ते में इतराज क्या है? सोहा राजी नहीं होगी। क्यों, क्यों राजी नहीं होगी? मुझे उसकी पसंद नापसंद का अंदाजा है। देखो बात पसंद नापसंद की नहीं है, रिश्ते हमेशा बड़े तय करते हैं। हमारा रिश्ता भी बुजुर्गों ने तय किया था। आप गालिबन भूल रहे हैं कि बुजुर्गों के फैसले में हम दोनों की रजामंदी भी शामिल थी। और आप भी गालिबन भूल रही हैं कि वो दोनों आपस में बहुत खुश हैं। कजन्स हैं इसलिए बेतकल्लुफ हैं आपस में, उनकी बेतकल्लुफी को मायने मत दीजिए। बेवकूफी की बातें मत करो, ये घर अम्मा के नाम है। अबरार की अगर शादी होगी, कोई लड़की आएगी, तो इस घर और घर की हर चीज पे अपना हक जताएगी। सोहा होगी तो कोई मुश्किल नहीं होगी, तुम्हें इस घर की हर शय पर इख्तियार होगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा इख्तियार।